हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे मखाने का बहुत हेल्दी रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे बाल झड़ना भी बंद हो जाएगा और बहुत ही समस्याओं को दूर करेगा। आपको पता है ये मखाने सेहत के लिए कितना लाभदायक होते हैं, तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। आप इसे गैस का फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे हम भुनेंगे। हम घी का यूज नहीं करेंगे, उसी तरह से इसे भुनेंगे। हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो जल जाएगा, अच्छी तरह से भुनेगा नहीं। तो लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे, आप देख सकते हैं। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। मखाने को पता है ये मखाने में कितना ही गुड़ पाए जाते हैं, तो इसी तरह से हम भून लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। तो लगातार हम चलाएंगे। तो यहाँ पर मखाना अच्छी तरह से भून चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और सेम कढ़ाई में हम यहाँ पर हमने आधा कप बादाम लिए, ये भून लेंगे। आप बादाम अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बादाम को भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, लो फ्लेम पर इसे भी भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए बादाम को भी भून लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बादाम भून चुका है, तो इसे भी निकाल लेंगे और इन दोनों को निकाल लिए यहाँ पे और इन दोनों को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ठंडा हो चुका था तो मिक्सी जाल लिए हैं और इसमें डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने 3 छुहारा लिए हैं, छुहारा का बीज निकाल कर ले लिए, आप देख सकते हैं। ये डाल देंगे, तो ये डाल देते हैं। और यहाँ पर हमने 2 भेली होता है ना गुड़, वो लिए हैं, उसे इस तरह से हम तोड़ लिए हैं। आप अगर आपके पास जैगरी पाउडर है वो डाल सकते हैं, लेकिन हमने उस तरह से तोड़ कर इसे ले लिया, तो ये डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मिक्सी जार में इसे पीस कर ले लेंगे, एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पीस लिया, तो इसे निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं कि एकदम बारीक हमने इसे पीसे हैं, ज़्यादा मोटा नहीं पीसे हैं। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लिए अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्दी रेसिपी है। और यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच चिया सीड नहीं आता है वो लिए हैं, तो आप इसे भिगोइएगा मत, उसी तरह से डालिएगा। तो हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं, ये डाल देंगे, आप देख सकते हैं। बिना भिगोए इसे डालना है, तो ये डाल देते हैं। और यहाँ पर हमने आधा कप नारियल का पाउडर लिए हैं, ये डाल देंगे। तो हमने डेसिकेटेड नारियल लिए हैं, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और इन सबको डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। तो सब सिर्फ बाइंडिंग के लिए इसमें हम 2 बड़े चम्मच हनी लिए हैं, ये डाल देंगे, सिर्फ बाइंडिंग के लिए डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हाथ से हम जब इसे इसका लड्डू बनाए तो अच्छी तरह से बन जाए, तो हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए डालेंगे। तो इस तरह से हम हनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। इसे हिंदी मधु भी बोला जाता है। तो इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये अच्छी तरह से बनने लगेगा, तो इस तरह से हम इसे लड्डू बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख दीजिएगा। जिस तरह से आपको छोटा बनाना है छोटा बनाइएगा, बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लीजिएगा। और इसे आप स्टोर करके 1 महीने के लिए रख सकते हैं, और बहुत हेल्दी लड्डू है और इसे बहुत फ़ायदा होता है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिल्कुल आसान है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे बना लिए, आप देख सकते हैं कितना अमी दिख रहा है ना। एक हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं, बहुत सॉफ्ट बनता है और हेल्दी भी है और यमी भी है। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। और आज की रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।